हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर की रेसिपी। मैं आज आप लोगों के साथ फिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिससे कि मैं फिश कड़ी बनाने वाली हूँ। देख सकते हैं, मैं आधा केजी फिश ली हूँ और इसको अच्छे से वॉश करके इसमें नमक, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छे से मिक्स किया। मैं अदरक लहसुन और हल्दी नमक डाल के अच्छे से मिक्स करना है इस तरह से, और मिक्स होने के बाद मैं इसे कढ़ाई में फ्राई करूँगी। देख सकते हैं, मैं इस तरह से कढ़ाई में फ्राई कर रही हूँ। अच्छे से फ्राई करना है, रेड होने तक इसको अच्छे से फ्राई करना है, दो तीन बार पलट के। गैस को हाई फ्लेम पे रखते हुए फ्राई हो रहा है हमारा। जब तक हमारा फिश फ्राई हो रहा है, तब अपने मसाले ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें मैंने एक प्याज डाला है बड़े साइज की, और लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है, और धनिया और जीरा पाउडर है। ये सब डाल के हम अच्छे से मिक्सर में, गोटा जीरा ली हूँ, आपके पास पाउडर हो तो पाउडर भी ले सकते हैं। वैसे टेस्ट जीरा से ही ज़्यादा अच्छा आता है, गोटा जीरा डालें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैं गोटा जीरा ही डालती हूँ। उसको अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड करती हूँ, फिर उसको फ्राई करती हूँ। देख सकते हैं, मैं ये सबको ग्राइंड करूँगी अभी। देख सकते हैं, मैं इसको फ्राई कर ली हूँ अच्छे से, नमक, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के। अगर आप इसे फ्राई करते हैं तो ये फ्राई वाला भी खाने में आपको बहुत टेस्टी लगेगा। ये हमारा हो गया है। अब इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल मेरा बचा है, हम इसमें थोड़ा और तेल डालेंगे। देख सकते हैं, मेरा तेल थोड़ा कम बचा था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा और तेल डाल दी हूँ। अगर आपका तेल ज़्यादा रहे आप ना डालें उसमें ही। अब ग्रेवी बनाना है, सबसे पहले हम इसमें दो तेज पत्ते डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे, गोटा जीरा। मैं इसमें तेज पत्ते और गोटा जीरा डाली हूँ, जो कि अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं। जीरा और तेज पत्ते मेरा पक चुका है। अब जो मसाले ग्राइंड किए हैं ये उसमें डालेंगे, जीरा धनिया जितना मैंने आपको दिखाई थी, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज। इसमें हम अलग से टमाटो, मिर्ची पाउडर और धनिया पत्ते डालेंगे, नमक, हल्दी टेस्ट के लिए। मैं इसमें सारे ग्राइंड किए हुए मसाले डाल दी हूँ, अच्छे से मिक्स की हूँ। इस तरह से इसे मिक्स करना है, और इसमें नमक और हल्दी हम ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं, मैं इसमें टेस्ट के अनुसार नमक दे रही हूँ। हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, सबको अच्छे से मिक्स करना है। टमाटो ऐड कर रही हूँ। अब लास्ट में हरी धनिया डाल देंगे, हो गया हमारा। अब कुछ नहीं डालना है, अच्छे से मिक्स करना है, फ्राई करना है मसाले को। ये देख सकते हैं, मेरा मसाला फ्राई हो चुका है, भुना जा चुका है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ दिया है, ऑयल छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ दिख रहा है, इससे पता चलता है कि हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। हम इसमें पानी डालेंगे और बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनने वाली है। देखिए देखिए, मैं बहुत टेस्टी दिख रहा है, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। हो गया है, हम इसमें पानी ऐड करते हैं। इस तरह से मिक्स करना है इसे अच्छे से। मैं इसमें ग्रेवी भी डाल दी हूँ, मेरा गैस हाई फ्लेम पे है, ये गर्म है काफ़ी। अब मैं इसमें सबसे लास्ट में धनिया ऐड कर रही हूँ। धनिया पत्ते डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस तरह से डाल के इसको उबाल आने तक पकाना है। इसमें दो तीन उबाल आ जाएंगे, हम इसमें फिश डाल देंगे। देख सकते हैं, इसमें उबाल आ गया है, अब हम इसमें फिश गिराएंगे। इस तरह से फिश डालना है। इसे मीडियम फ्लेम पर ढक के 2 मिनट पकाना है, बस 2 मिनट ही पकाना है मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट हो गया है, हम ढक्कन को हटा देंगे। देख सकते हैं, वाओ, इतना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा कलर आया है मेरा, बनके रेडी है। गैस को ऑफ कर देंगे, अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में।
देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही लजीज दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है मछली, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है हमारा फिश। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, देखने में कितना अच्छा दिख रहा है, देख सकते हैं आप, कलर भी बहुत अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैं इसकी गारंटी देती हूँ, अगर आपने ऐसा एक बार बना के खाया तो बार बार ऐसा ही खाने का मन करेगा और घर वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।